बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिर्जत बलोच डॉट टीके की जानिब से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पोइट्री का जो बैकग्राउंड देते हैं वो कैसे दिया जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, तरीका मैंने आपको बताया था। तो उस पे जो बैकग्राउंड जो था उस पे मैंने एक सॉन्ग लगाया हुआ था, थोड़ा सा, एक तकरीबन 35 से 40 सेकंड का। तो जब मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया तो उस पे जो है कॉपीराइट का कॉलम लग गया और मजबूरन मुझे वो रिमूव करनी पड़ी। जो सॉन्ग जो था वो मैंने जस्ट रिमूव कर दिया और पॉइंट्री सेम की सेम रही। तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नाच जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, उसे कैसे एडिट करते हैं और इसे कैसे एक कंप्लीट MP3 फाइल बनाते हैं। आप अपनी आवाज़ में कोई ऐसी नाच रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे आप लाउडली गाएं, स्लोली गाएं, आपकी आवाज़ थोड़ी जो है हाई लेवल की है, नॉर्मल में है, तो आप अगर उसकी सेटिंग वगैरह करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपकी आवाज़ थोड़ी जो है एक ओल्ड मैन की तरह लगती है आपको कि मेरी आवाज़ जो है, मेरा वॉइस जो है, तो ऐसा फील आपको महसूस होता हो, या अगर आप, तकरीबन मैंने देखा है, सुना है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वॉइस सेम टू सेम जो है फीमेल की तरह होती है, तो वो लोग जब बोलते हैं तो बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है उन लोगों को। बस ये भी एक कुदरत का कमाल है, इसमें भी रब्बुल आलमीन का कोई राज होगा। तो बहुत ज़्यादा इस पे मौजू पे बात नहीं करेंगे, चलते हैं टॉपिक की जानिब। मैंने आपको सॉफ्टवेयर भी बताया था, ये ओडासिटी सॉफ्टवेयर का नाम है, इसे मैं ओपन करूँगा। ओपन किया मैंने और इसके बाद में एक जो नात वगैरह है रिकॉर्ड करना बताऊंगा। ये वाला ऊपर आप बटन देख रहे हैं रिकॉर्ड, या शिफ्ट आर प्रेस करके भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, एक अच्छा सा माइक्रोफोन होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर आपके पास माइक्रोफोन वगैरह नहीं है तो आप सिंपली मार्केट से ख़रीद सकते हैं, 200 से लेकर 500, 5000, बहुत से ज़्यादा अच्छे अच्छे माइक पड़े हुए हैं। अगर आप नॉर्मली तौर पे लेना चाहते हैं तो 300, 350 की रेंज में एक अच्छा माइक मिल जाएगा। मेरे पास तो एक पुराना माइक है जो तकरीबन बहुत सालों से मेरे पास है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन मसला इसमें यह है कि यह सिर्फ मोनो में रिकॉर्ड करता है, स्टीरियो में नहीं करता है, तो बाद में इसे स्टीरियो में करना पड़ता है, लेकिन खैर काम दे रहा है तो चला रहे हैं। तो रिकॉर्ड करते हैं नात, मैं एक नात कहूँगा, उसे रिकॉर्ड करूँगा और बाद में उससे सेटिंग वगैरह करके एक कंप्लीट नात बनाऊँगा। तो मैं रिकॉर्ड करूँगा, जमी मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, जमी मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता। ओके, ऐसे मैं जो है स्टॉप कर देता हूँ। तो इसे मैं प्ले करता हूँ और माइक भी जो है वो भी, इसका वॉल्यूम है वो भी लो लेवल पे रखा हुआ है, मैंने देखा नहीं। प्ले करके देखते हैं कि किस तरह से रिकॉर्ड हुई है। जमी मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता। तो ये आप देख रहे हैं कि थोड़े जो शेड वगैरह हैं वो गलत आ गए हैं, तो मैं दोबारा से इसे रिकॉर्ड करूँगा और माइक का वॉल्यूम जो है मैं इसे फुल कर दूँ। तो अब मैं दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ।
जमी मैली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, जमी मैली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, जमी मैली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता, जमी मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता। ओके, तो ये इतनी सी रिकॉर्ड की मैंने प्रैक्टिकली तौर पे आपको दिखाने के लिए, तो इसे अब मैं प्ले करता हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करूँ। ओके, जमी मैली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, ओके, तो ये जो है मोनो में रिकॉर्ड किया गया था, रिकॉर्ड हुआ है स्टेरियो में नहीं। अगर स्टेरियो में हुआ होता तो दोनों की जो टाइमलाइन है वो दोनों पे ये शो होते, लेकिन ये मोनो में किया गया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सिंपली स्प्लिट स्टीरियो ट्रिक में जाऊंगा और इसे जो है मैं डिलीट करके एडिट में जाके डुप्लीकेट करूंगा, और डुप्लीकेट करने के बाद इसे राइट पे क्लिक करके इसे जो है लेफ्ट पे करने के बाद मेक स्टीरियो ट्रिक पे क्लिक करूंगा। अब जो ये है वो स्टीरियो ट्रिक में बन चुका है, तो इसे अब मैं प्ले करता हूँ। जमी मैली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, जमी मैली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, जमी मैली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। ओके, तो ये देखें कि किस तरह से ब्यूटीफुल सी जो एक नात है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसे भी सेव कर सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत आप इसमें सेटिंग वगैरह करना चाहें, इफ़ेक्ट देना चाहें, आप एको वगैरह देना चाहें तो वो आप भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इफ़ेक्ट में जाना होगा, इसे जो है सिलेक्ट करना है, और इफ़ेक्ट में जाने के बाद एको इस पर क्लिक करना है, और डेली टाइम जो है सेकेंड के आपका जो वॉइस है, आवाज़ है, वो कितनी बार आपके ट्रैक के पीछे आए, यानी कि मैं जमी बोलूँ तो उसके पीछे जमी 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 ऐसे जो आए, फैक्टर जो होता है, जो सेकंड डेली के डिलाइट टाइम जो होता है वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। अगर आप एक रखना चाहे तो भी आप कर सकते हैं, दो तीन चार वो आप जितनी चाहे कर सकते हैं। तो मैं इस पे सिंपली एक देता हूँ, तो एक देने के बाद डाय फैक्टर भी आप देख सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि डेली टाइम एक या दो दिया जाता है, लेकिन मैं एक देता हूँ क्योंकि एक प्रोफेशनल नॉट रिकॉर्ड करने के लिए अक्सर एक ही यूज़ किया जाता है। तो ओके किया, तो अब इसमें जो है एको आ चुका है, मैं प्ले करता हूँ। जमी मैली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, जमी मैली नहीं होती। आपको पीछे बैकग्राउंड में जो है एक डबल आवाज़ सुन रही होंगी, सुनाई दे रही होगी,
कि जब मैं दूसरा जब वॉइस को पकड़ता हूँ दूसरी मिसरा को, तो उसके पीछे जो है मैं जो छोड़ के आया था उसे वो डबल में एको में करके दे रहा है। दोबारा आप गौर से सुने। जमी मैली नहीं होती। ओके, तो अगर आप इससे ज़्यादा एको के इफ़ेक्ट देना चाहें तो वो आप भी दे सकते हैं। मैंने एक दिया था, मैं दो देता हूँ। ओके, तो अब आपको दोबारा सुनाऊँ। जमी मैली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, जमी मैली नहीं होती, जमन। ओके, तो ये देखें कि कितने जो है ब्यूटीफुल सी नात जो है रिकॉर्ड हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करना होगा कि सिंपली आप ये देख रहे हैं जो थोड़े बहुत जो है फ़ैन की आवाज़ भी आ रही है, क्योंकि मेरे ऊपर फ़ैन चल रहा है, उसकी भी माइक ने जो है रिकॉर्डिंग कर ली है। तो इससे हम कैसे रिमूव करें, तो सिंपली क्या करना होगा, इसे सिलेक्ट ही रहना देगा, और इफ़ेक्ट में जाने के बाद हमें करना है नॉइज़ रिडक्शन पे क्लिक करना है, और इससे गेट नॉइज़ प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और इसने जो है नॉइज़ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद क्या करना है, नॉइज़ रिडक्शन में दोबारा जाना है और सिंपली ओके कर देना है। ओके, तो जो नॉइज़ हमारी थी वो उसने रिमूव कर दी है। मैं दोबारा प्ले करता हूँ। जमी मैली नहीं होती। अब आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम हो गया है, तो हमें क्या करना होगा, दोबारा इफेक्ट में जाने के बाद नॉर्मलाइज पे जाना है, नॉइज़ रिड्यूकेशन के नीचे। नॉर्मलाइज पे क्लिक करने के बाद हमें ओके कर देना है। अब ये इसने जो है नॉर्मलाइज यानी कि लेवल पे एक ट्रैक को रख लिया है, और ना ज़्यादा होगा ना बड़ा होगा, तो जैसा भी होगा जो आपके जो रिकॉर्डिंग के मुताबिक खुद ब खुद ये सेटिंग कर लेगा। अगर आप अपनी जो मैनुअल सेटिंग करना चाहें तो वो भी आप सिंपली दे सकते हैं। तो अब मैं दोबारा प्ले करूँगा। जमी मैली नहीं होती। ओके, तो अब इसे क्या करना है, हमें सिंपली इसे फाइल में जाना है और एक्सपोर्ट ऑडियो पे क्लिक करना है, और फाइल लोकेशन डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद सेव कर देना है। ओके, तो ये जो है डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ऊपर MP3 फॉर्मेट में आ गई है। प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको चेक करवा दूं, VLC मीडिया फाइल MP3। ओके, और इसे मैं प्ले करता हूं। जमी मैली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, जमी मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, जमी मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। ओके, तो ये देखें कि कितनी एक खूबसूरत ब्यूटीफुल सी नात पाक जो है रिकॉर्ड हो चुकी है। इस तरह से आप हज़ारों आपकी पसंदीदा नात वगैरह है वो आप रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे आप रख सकते हैं। अगर आप किसी इस्लामिक एकेडमी को आप अपनी नात जो है पब्लिश करने के लिए देंगे तो वो भी आपकी नात को बिल्कुल फ्री में पब्लिश कर देंगे, और इसका अजर भी आपको मिलेगा, सवाब भी आपको मिलेगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को और भी ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस तरह से अच्छी अच्छी नाते रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
अगर आप एक अच्छी सी नात वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तो वो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं, फेसबुक या आईडी पे भी सेंड करने, फिर मैं उसे जो है पब्लिश करवाना मेरा काम है। अब अगर आप यूट्यूब पे चाहेंगे फिर भी मैं आपको अच्छी रैंक के वीडियो रैंक पे आपकी वीडियो को ला के दूँगा। नात जो है वो आपको पता है कि अक्सर जो है दुनिया के 45% जो है ममालिक में नात को सर्च किया जाता है, और नात एक नबी पाक की तारीफ में भी पेश की जाती है वो, और भी आप सब जानते ही होंगे। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।